हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन इनबेफ का लेटेस्ट सर्कुलर जो कि 31 अगस्त 2019 को आया है वो शेयर करने जा रहे हैं। ये सर्कुलर इनबेफ ने वेयर द मर्जर ऑफ बैंक्स विल टेक द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड द इंडियन इकोनॉमी टू इस टॉपिक पे इशू किया है। मीन्स कि जो बैंक के मर्जर्स हैं उसका बैंकिंग इंडस्ट्री और इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा उसके बारे में है। इनबेफ ने कहा है कि गवर्नमेंट चाहे एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन जो इंडियन इकोनॉमी है वो इस टाइम बुरे दौर से गुजर रही है और जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, बिग एंटरप्रेनर्स हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेनर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फार्मर्स हैं और जो कॉमन पीपल हैं वो सभी इकोनॉमिक स्लोडाउन को फील कर रहे हैं। कोई भी सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केमिकल, रियल एस्टेट, फूड इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, सभी के सभी इस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अपनी प्रोडक्शन बंद करनी पड़ रही है और प्रोडक्शन कम होने के कारण वो अपने स्टाफ को निकाल रहे हैं या फिर अपनी फर्म्स को बंद कर रहे हैं। और क्वार्टर वन की जो जीडीपी है वो पिछले 6 सालों में सबसे निचले स्तर पे है। फार्मर्स भी सुसाइड कर रहे हैं और इसकी कोई भी फिगर्स नहीं आ रही हैं। और पूरे देश में धर्म के नाम पे काफ़ी ज़्यादा जो मॉब लिंचिंग है वो बढ़ रही है और गवर्नमेंट सिर्फ अपने एडवेंचरिज्म को दिखाने में लगी हुई है। वो अपने डिमोनेटाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, इन सब को अपना एडवेंचर मानती है, लेकिन इसके कारण काफ़ी ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक अनरेस्ट आ गया था। और अब गवर्नमेंट एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है जिसमें कि वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके उनको 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कन्वर्ट करने जा रही है। फर्स्ट जो मर्जर है पंजाब नेशनल बैंक में होगा, जिसमें कि ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर हो रहा है। सेकंड कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हो रहा है। थर्ड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हो रहा है। और फोर्थ इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक मर्ज हो रहा है। गवर्नमेंट रिसेशन के टाइम पे इकोनॉमी को ऊपर उठाने के बजाय बैंक मर्जर्स कर रही है जिससे कि और भी ज़्यादा लॉस होगा। और गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व में से भी 1,76,000 करोड़ रुपए ले लिए हैं और इससे शो होता है कि कंट्री में किस तरह फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। और इनबेफ का कहना है कि इस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन को बैड से वर्स होने से बचाने के लिए हम सभी को इकट्ठे होकर रिसेशन के खिलाफ लड़ना चाहिए। और अभी RBI ने एक डाटा रिलीज किया है जिसमें कहा गया है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में 2019 में जो फ्रॉड्स हैं उनका काउंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और वो 71,543 करोड़ तक पहुँच गए हैं। तो यूनियन का कहना है कि अब इन फ्रॉड्स के लिए कौन अकाउंटेबल होगा और जो NPA भी इंक्रीज हो रहा है उसके लिए कौन अकाउंटेबल है, और गवर्नमेंट से ही वो इन सारे सवालों के जवाब पूछ रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो ये मर्जर कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव हो सके और जो नेक्स्ट जनरेशन बैंक बनेंगे वो ग्लोबल प्लेयर होंगे। और कुछ बैंकों को छोड़ दिया गया है जिसमें कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक हैं। यूनियन का कहना है कि बैंक मर्ज होने से कुछ अचीवमेंट होगी या नहीं ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बूस्ट करना पड़ेगा ताकि इकोनॉमी रिवाइव हो सके। और मर्जर के बाद जो सर्विस कंडीशंस हैं बैंक्स की वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी क्योंकि कितने ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और उनको इनकन्वीनियंस होगी और जो रिक्रूटमेंट है वो भी कम हो जाएंगी क्योंकि जो ब्रांचेज हैं उनको बंद करना पड़ेगा और जो पहले से ही पोस्टेड एम्प्लॉयज़ हैं उनके ही ट्रांसफ़र होगी। तो एंड में उन्होंने कहा है कि वो इस मर्जर का स्ट्रॉन्गली अपोज करते हैं और यूनियंस मिलके इसके खिलाफ अपनी प्रोटेस्ट करेंगी। और उनका कहना है कि एक बार बैंक मर्ज हो जाए तो वो कॉर्पोरेट्स के हाथ का खिलौना बन जाएंगे, कोई भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी कंट्री में और बैंक्स हैं वो आम जनता के बजाय कॉर्पोरेट्स के हाथ में हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही सारी अपडेट्स थी इनबेफ के इस सर्कुलर में और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।